हेलो माय वर्ल्ड फैमिली, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत वक्त से वीडियो बना नहीं रहा था, वजह ये थी कि क्या बनाऊँ। मुझे ऐसा यही लग रहा था कि जितना भी जो भी है उनका सबका तो सवाल का जवाब दे दिया है, कुछ और तो लग नहीं रहा था, सच में नया तो कुछ लग नहीं रहा था। और जैसे कि मैंने बताया कि फिर मैंने ओला का बनाने का सोचा, बट थोड़े से पर्सनल लाइफ में थोड़ा बिजी हो गया था तो नहीं बना पाया, बट बनेगी वीडियो, इतना तो है। ये जो भी मैंने शुरू किया है ये पेपर रुकने वाली, तो आज की वीडियो बनाने के पीछे सच में मुझे बहुत बड़ी अजीब बात जो लगी, जिसकी वजह से मुझे लगा वीडियो बनाना चाहिए, वो ये है कि हम जब कोई भी गाड़ी जब लेते हैं, अब जैसे मेरे पास रोल्ट के अलावा भी गाड़ियाँ हैं, इवन मेरी इलेक्ट्रिक कार भी, ये बाइक जो है वो भी है, स्कूटी भी है, तो सभी जो गाड़ियाँ जो मिली है उनमें सब में लाइफ टाइम टैक्स पेड होता है। ओके, रिवॉल्ट का मैंने फुल पेमेंट कर दिया था, लोन पे नहीं ली थी जैसे बाकी लोग ने लिया, मैंने हार्ड कैश पे ले ली डायरेक्ट। कल मुझे मैसेज आया रात को कि मेरे गाड़ी का टैक्स पेंडिंग है। आज तक मेरी गाड़ी पे मैं कोई पेनल्टी लगने नहीं दी, ना आज तक कभी गाड़ी पे कोई भी चीज़ नहीं होंगी, इतना करने के बावजूद भी अगर ये रिवॉल्ट वाले को फुल पेमेंट कर चुका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्होंने लाइफ टाइम टैक्स क्यों नहीं दिया मुझे। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी क्योंकि रोड टैक्स जो होता है ये तो पे करना होता है, और कंपलसरी गवर्नमेंट बोलता है कि लाइफ टाइम टैक्स आपको पे करना है, तभी गाड़ी जो है नॉर्मली बेची जाती है। तो रिवॉल्ट वालों का अब तक मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं अभी इनसे बात करने वाला हूँ कि ये क्या है लाइफ टाइम टैक्स का वगैरह, और आपने गाड़ी जब ली थी तो मुझसे फुल पेमेंट क्यों ली थी, फिर रोड टैक्स क्यों, फिर आपने मुझसे बोलते ना रोड टैक्स का पैसा क्यों लिया है फिर, जब आपको नहीं पे करना था। और ये क्या बात हुई, अभी तकरीबन सिर्फ 4 साल या 5 साल होने हैं तो आपने सिर्फ 5 साल का रोड टैक्स भरा हुआ है, बाकी के ज़िंदगी भर मैं क्या करूँ। तो मुझे जानना है कि क्या आपके साथ भी जो है नॉर्मली यही प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आ रहा है तो बताइए मुझे, ताकि कुछ एक्शन लेना है तो बताइए, एक्शन भी लेंगे, कुछ तैयारी कर लेते हम, ऐसी बात है। तो फिर नॉर्मली यही एक आया मेरे मन में, उसके बाद मैं तो सच कहूँ तो पूरी तरह से पक गया था, मैं रिवॉल्ट से पक चुका हूँ इन शॉर्ट, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो रिवॉल्ट जो है इसका देखिए, ये यहाँ पे ग्लास है, अभी दिख नहीं रही होगी आपको, देखिए ट्रांसपेरेंट है, ऑयल दिखा दे रहा आपको, तो वहाँ पे ग्लास मेरे गाड़ी की जो है वो टूट गई थी। रिवॉल्ट वाले के पास गया तो बोल रहे नहीं हमारे पास नहीं है, वो टूट कैसे गई मुझे पता नहीं, पहली बार हुआ है, भी इतनी सर में गाड़ी है, कभी किसी की ख़राब नहीं हुई, बट ये ऐसे मेल्ट हो गई थी कि मैंने इवन थोड़ा हाथ लगाया और वो उसकी पाउडर निकल गई थी। इतनी घटिया क्वालिटी का जो इन्होंने मटेरियल यूज़ किया गया है कि वो पाउडर, और फिर उसके बाद में मैंने जब बताया कि भाई ये टूटा हुआ है, इसकी ग्लास तो कहीं पे मिल नहीं रही थी, जबकि मैं अगर कोई करना चाहे रिपेयर तो मैं इतना बताना चाहता हूँ सीबी ट्वी होंडा सीबी शाइन जो है उसका भी सेम मेजरमेंट है, तो उसकी ग्लास आप लगा सकते हो, मैंने मेजर किया, तो जिस जिसको प्रॉब्लम आती है तो सीबी शाइन का लगा सकते हो, या फिर आप मेरी तरह कोई वॉच मेकर होगा आपके यहाँ पे घड़ी वाला, उसके बाद जाके ग्लास लेके आइए, वो ग्लास लगाइए, फेविक्विक डालिए साइड में, पहले फेविक्विक बॉर्डर पे लगाइए, फिर ग्लास लगाइए, फिर उसके साइड में भी फेविक्विक डाल दीजिए, बैठ जाती है ग्लास जो है बैठ जाएगी, और इतना मुझे पता है कि वो प्लास्टिक का जो है उससे बेटर ज़्यादा लाइफ चलेगी। 100 रुपये खर्चा है, मैं इवन उनको 300 रुपये देने तैयार था कि भाई मुझे ये फिक्स करके दो, क्योंकि उसकी वजह से मेरी गाड़ी चल नहीं रही थी, ये चार्जर का इशू, फिर ये इशू, फिर वो इशू, तो लाइफ में मैंने बोला कि यार रिवॉल्ट का परेशानी झेलने के अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, कितनी परेशानियाँ झेलूँ मैं, तो ये रिवॉल्ट का क्यों ऐड करूँ। पर मेरी गाड़ी ने मुझे इतना परेशान नहीं किया, ऑनेस्टली आज भी अच्छी खासी चल रही है, अब करीबन हो गई है इसकी किलोमीटर 33,000, चार्जर में बाहर से लगा के चार्ज करता हूँ, ठीक है जो कुछ भी था ठीक है चल रही है, बट ये जो कुछ भी हुआ ना ये मुझे बहुत अजीब लगा कि यार रिवॉल्ट वाले पैसे तो खाते हैं बाद में टैक्स भी नहीं पे करते आपकी गाड़ी का, ये बहुत गलत लगा। और इस मामले में मैं
जो है वो रिवोल्ट पे दावा तो ठोकने वाला हूँ, लेट्स सी, मतलब थोड़ा फ्री हो जाऊँगा अपने लाइफ से तब करने वाला हूँ। बट है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट झूठ क्यों बोला इन्होंने, पैसे क्यों लिए मुझसे लाइफ टाइम टैक्स के, ये मेरा सवाल है। चलिए ठीक है, कमेंट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश कुमार जी ने, फुल चार्ज पर एरर 93 दिखा रहा है। देखिए आपका फुल चार्ज पर एरर 93 दिखा रहा है, वायरिंग का प्रॉब्लम, वायरिंग चेक कर लीजिए आप, आपकी वायरिंग का प्रॉब्लम है ऐसा है। मतलब जो बैटरी को जो प्लग जो लग रहा है आपका, ठीक है, वो प्लग या तो आपका गर्म हो रहा है, या तो वो प्लग का कनेक्टिविटी मिल नहीं रहा, या फिर वो पावर केबल जो है बैटरी से जो जा रही है वो केबल में कहीं पे तो प्रॉब्लम है आपका, तो आपको वायरिंग चेक करानी पड़ेगी। बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है, ये वायरिंग का इश्यू है। दूसरा जो है, खुशी राम जी ने पूछा हुआ है कि सर जी नमस्ते, रिवोल्ट बाइक के अंदर चाबी फंस गई है, ऊपर से लॉक हो गया, कैसे निकाले। मैंने वीडियो बनाई थी, आपको चाहिए तो आप मुझे अपना मेल आईडी दे दीजिए, मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, और इवन वहाँ पर सीट कैसे खोलनी हो बता भी दिया मैंने, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे करना है। देखिए पहले जो है आपको, ये मेरे घर के नीचे बिल्ली आए, उन्होंने की है, मेरी गाड़ी भंगार नहीं पड़ी है, ऑनेस्टली मैं रोज़ चलाता हूँ गाड़ी मेरी, बट ये बिल्ली ने किया हुआ है और मैंने साफ़ नहीं की है आज के दिन, इसलिए गंदी लग रही है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। वो गाड़ी मैं चलाता नहीं, इसलिए वो बात अलग है। तो देखिए जिन जिन को जो है सीट के, अगर आपकी चाबी फंस गई है तो उनके लिए मैं बता सकता, आपको सीट के नीचे का जो है ये तीन स्क्रू, पहले जो है ये तीन स्क्रू आपको खोलने हैं, उसके बाद जो है ये ओपन हो जाएगा, ये निकल जाएगा, फिर आपको यहाँ पे लॉक है, उस लॉक को आपको यहाँ पे पुश करना है, इस तरह पीछे की तरफ पुश करना है, पुश करोगे सीट खुल जाएगी, सीट खुल जाएगी, फिर आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन मिलेगा डिक्की खोलने का, और जो है डिक्की खोलने का वहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, डिक्की खोल लीजिए, आपके जो चाबी हो निकाल लीजिए आप, तो एकदम ईजी है, कोई ऐसा बड़े बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई भी। तीसरा जो है विजय पंचाल ने पूछा है कि टुडे आई रिसीव्ड एरर 95। तो देखिए एरर 95 हॉल सेंसर का प्रॉब्लम है, हॉल सेंसर में आपके पानी गया होगा, या फिर हॉल सेंसर में आपके कार्बन लगा हुआ है, तो आप अगर मोटर खोल सकते हैं तो मोटर खोल लीजिए, उसका हॉल सेंसर निकाल लीजिए, हॉल सेंसर को आप अल्कोहल यूज़ कर लीजिए, अल्कोहल से साफ कर लीजिए, लगाइए, चल गया तो ठीक है, हो जाता है, या फिर वारंटी में है तो वारंटी में क्लेम करा लीजिए, मोटर ही चेंज कर लीजिए। उसके बाद लिखा है धीरज स्वामी जी ने लिखा हुआ है, सर आप ने रहे सेड का लीवर दबा कर क्यों वटाया। राइट हैंड साइड का लीवर दबा कर क्यों वटाया, मुझे आपका सवाल नहीं समझ पाया धीरज जी, ज़रा प्रॉपरली आप लिखेंगे तो बेटर होगा, मैं जवाब दे पाऊँगा। ओके शर्मा जी ने लिखा हुआ है, नमस्कार, आपके पहले वीडियो के साथ मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में साउंड बॉक्स कनेक्ट करने के लिए ट्राई किया पर नहीं हो पा रहा है, उसमें बता रहा है कनेक्शन टाइम आउट, प्लीज़ ट्राई अगेन, यह प्रॉब्लम 7-8 महीने से आ रही है, कंपनी वाले से बात हुई पर उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए आप अपने फ़ोन के जगह पर किसी और का फ़ोन से ट्राई कर लीजिए और ट्राई करते रहिए, शायद मे भी आपका साउंड बॉक्स जो है उसको पावर नहीं मिल रही होगी प्रॉपरली। तो देखिए पावर मिल रही होगी तो इजीली साउंड बॉक्स नज़र आते हैं, जैसे अब मैं दिखाता हूँ, फिर से आपके लिए मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए अभी मैं ब्लूटूथ यहाँ पे कनेक्टेड है, हेडफोन कनेक्टेड है इसलिए, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो शायद से फैमिली टीवी दिख रहा है, आ गया नॉइस पल्स। यहाँ पे रिवोल्ट
बीटिंग, हाँ एजुकेट रिवॉल्ट ब्लूटूथ है और रिटर्न बीन्स आप लेके ट्राई कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगा बट हो जाएगा, मैं चाहिए तो उसके लिए फिर से आपको वीडियो बना के बता दूँगा कैसे करना है, बट ज़्यादा वक्त नहीं मुझे। डिस्प्ले फ्लिकरिंग सेम प्रॉब्लम लिखा हुआ है, और सेम प्रॉब्लम है तो आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो है उसका प्रॉब्लम है, वो आप सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। बैटरी कंपार्टमेंट का तो देखिए, बैटरी कैसे निकालना है वो आपको मैं बता चुका हूँ, ये वीडियो देख लीजिए और कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल तो यही है। हाँ अगर आपको जानना है कि ये मैं ग्लास कैसे लगाई वगैरह तो वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहता है तो रिक्वेस्ट कर लीजिए मुझे कि आपने डिस्क ब्रेक का ग्लास कैसे चेंज किया, तो मैं बता दूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी नेक्स्ट वाला जो है मेरा उसका भी ग्लास ख़राब होने आया है, बहुत जल्द मुझे उसका ग्लास चेंज करना पड़ेगा, तो चाहिए तो उसके बारे में वीडियो बना लूँगा। और किसी चीज़ के बारे में अगर वीडियो बनानी है तो बता दीजिए, मैं बना दूँगा, और कोई ऑप्शन नहीं। तो ठीक है, तब तक के लिए वीडियो का ये प्रांत करता हूँ। आई होप मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि बाकी तो आप अगर मेरे वीडियो के गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा। बट तब तक के लिए फिर से मैं कहूँगा कि रोड टैक्स का जो है मुझे बहुत अजीब लगा, और आपके स्टेट में भी रिवॉल्ट ने इसी तरह किया हुआ है क्या ज़रा प्लीज़ मुझे बताइए, और अगर है आप भी जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो फिर बताइए, फिर हम सब मिलके कोई एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ, तो वो उस चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। और बाकी तो जो भी आपके सामने ही है ऐसी बात है, तो आई होप सो देखते हैं जो भी आगे क्या होता है। तो ठीक है, मैं वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ, और आई होप सो कि आपकी रिवॉल्ट आपको ज़्यादा तकलीफ ना दे, और दे रही तो सच बोलूँ आई एम सॉरी, मैं ट्राई कर रहा हूँ बट इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। पर तब तक के लिए इतना याद रखिए, हमेशा ऑलवेज ड्राइव सेफ, और हमेशा हेलमेट पहना कीजिए, गर्मी बहुत बढ़ रही है, खुद का ख्याल रखिए, सर को गर्म मत होने दीजिए रिवॉल्ट की वजह से, और कोई भी दिक्कत होती है गेट बैक टू मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। ठीक है, बाय।